नेहा आदित्य की शादी के लिए कार्तिक को मिलाएंगे रुता, निभाएंगे ये जिम्मेदारी। इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर आजकल नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी की खूब चर्चाएं होती हैं। अपनी फिल्म के लिए कोई कलाकार प्रमोशन के लिए आए या किसी मेहमान को आमंत्रित किया जाए, नेहा और आदित्य की शादी की चर्चा में सभी भागीदारी लेते हैं और शादी में अपनी भूमिका भी धड़ल्ले से साझा करते हैं। ऐसा एक बार फिर हुआ है जब हिंदी सिनेमा के युवा और लड़कियों के चहेते स्टार कार्तिक आर्यन अपनी चर्चित अभिनेत्री सारा अली खान के साथ इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचे। प्रेमियों के हफ्ते वैलेंटाइंस वीक को और ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए फिल्म निर्माता और निर्देशक इम्तियाज अली दो युवा कलाकार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान को साथ लेकर अपनी अगली फिल्म लव आजकल दो लेकर आ रहे हैं। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों युवा कलाकारों ने इंडियन आइडल 11 के सेट पर शिरकत की। इस दौरान इंडियन आइडल सीजन 11 की छोटी अलका यानी अंकोना मुखर्जी ने तेरे लिए हम हैं जिए गाने पर एक दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस के बाद कार्तिक आर्यन ने नेहा और आदित्य को उनकी आगामी शादी के लिए बधाई दी जो कि इस वैलेंटाइंस डे पर होने जा रही है। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें दोनों तरफ से निमंत्रण मिलेगा क्योंकि वो आदित्य और नेहा दोनों के अच्छे दोस्त हैं। इस बात को सुनकर नेहा कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि कार्तिक को दुल्हन की तरफ से होना चाहिए क्योंकि वो उनके भाई टोनी कक्कड़ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेहा ने मजाक में यह भी कह डाला है कि दुल्हन की तरफ से होना कार्तिक का कर्तव्य है क्योंकि वो और नेहा लंबे समय से दोस्त हैं। इस पर कार्तिक ने फिर से कहा, मैं दोनों तरफ से रहूंगा,